हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस आइल्स क्लासेस। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 20 जनवरी 2022 आइल्स एग्जाम प्रेडिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट मी टेल यू, दिस इज़ ओनली अ गैस वर्क, सो प्लीज़ इसे गैस वर्क की तरह ही लेना, टोटली डिपेंड मत हो जाना इस पर, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना। दिस इज़ ओनली अ गैस वर्क, सो प्लीज़ एक आइडिए की तरह ही लेना इसको। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड don't forget to press the notification bell for more video updates. And guys, now let's start the video. First of all, we will talk about listening. Listening की बात करें तो हमें part 1 में मिलने वाले हैं फिलप्स, जो कि होंगे वन वर्ड ओनली। उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 में आपको मिलेंगे MCQ प्लस चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका लेवल थोड़ा सा ट्रिकी होगा। पार्ट 3 में आपको मिलेगा लॉन्ग MCQ प्लस मैप आने की बहुत चांसेस हैं इस बार। एंड पार्ट 4 में फिलप्स, जो कि होंगे वन वर्ड। सो ओवरऑल जो लिसनिंग रहने वाली है वो रहने वाली है ईजी टू मॉडरेट। उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग की अगर हम बात करें तो हमें पैसेज 1 में यहाँ मिलने वाले हैं यहाँ पे फिलप्स प्लस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इन दो में से आपको कुछ और नहीं मिलेगा। पैसेज 2 की बात करें तो उसमें आपको MCQ प्लस ट्रू फॉल्स नॉट गिविन देखने को मिलेगा। एंड पैसेज 3 में आपको समरी कॉम्प्लीशन, येस नो नॉट गिविन प्लस मैच द स्टेटमेंट। इस बार भी पैसेज 3 थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत रहेगी। एंड ओवरऑल जो रीडिंग रहने वाली है वो ईजी टू मॉडरेट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग के टास्क 1 में आपको मिलने वाला बार, पाई, लाइन, मैप, इन चारों में से आपको एक मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, वाक्यों की भी करनी है, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। एंड टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 में आपको एग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ओपिनियन, ऐसे इन तीनों में से एक ऐसे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, वाक्यों की भी साथ में आपको करनी है, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एंड नाउ ओवरऑल आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है। And that's it for